हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज लिटिल बॉय। सो इस वीक आप जानते हैं कि मैं रिव्यूज़ कर रही हूँ। ट्यूसडे को मैंने एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर लीजिए। आज के वीडियो में जो प्रोडक्ट मैंने लिया है रिव्यू करने के लिए वो है ये अर्बन कलर का काजल। काजल्स आर माई ऑब्सेशन। मार्केट में जो भी नया काजल आता है तो मुझे लगता है मुझे इसे ट्राई कर लेना है। मैं ले लेती हूँ और अच्छे अच्छे काजल्स का कलेक्शन अपने पास रखना मुझे बहुत पसंद है, अच्छे काजल्स यूज़ करना मुझे बहुत पसंद है बेसिकली। तो आज का जो वीडियो है मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, जहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको रियल टाइम रिज़ल्ट दिखा सकूँ। तो प्रीवियस डे पर यानी कि कल मैंने पूरा दिन इस काजल को अप्लाई करके रखा। हालांकि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कल मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इसे अप्लाई करके रखा। पूरे 10 घंटे तक मैंने इसकी हर 2 घंटे में एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया, जहां पर मैंने आपको बताया रियल टाइम कि अब इस वक्त इतने आवर्स पास होने के बाद ये किस तरह का दिख रहा है मेरी आइज़ पर। तो आई थिंक कि आपको इससे ज़्यादा ऑनेस्ट और इससे ज़्यादा जेन्युइन रिव्यू इस काजल का कहीं पर मिल नहीं सकता है। तो फिर चलिए आज के वीडियो में मैं आपको इसका स्मज प्रूफ टेस्ट, इसका वाटर प्रूफ टेस्ट और इसकी स्वॉच सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो से स्टार्ट करते हैं। इस काजल को मुझे टेस्ट करना था पूरे 10 घंटों के लिए, क्योंकि इसका जो क्लेम है वो यही कहता है कि ये 10 आवर्स तक स्टे करेगा। मैंने मॉर्निंग में इसे 10 बजे लगाया था, जो कि 8 बजे तक मुझे इसे लगा कर रखना था। उस दौरान मैंने हर 2 घंटे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप यहाँ पर रिकॉर्ड किया, जैसे कि मैं आपको बता सकूँ कि हर 2 घंटे के बाद इसका जो स्टेटस है वो क्या है। काजल को मैंने यहाँ पर बहुत ही मोटा लगाया है, जिससे कि मैं इसकी एक्चुअल वर्किंग देख पाऊँ, क्योंकि मोटा काजल जनरली स्मज हो जाता है। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो नहीं भी होगा। इस काजल को आप एज एन आईलाइनर भी लगा सकते हैं। वीडियो का इंट्रो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने इसे एज एन आईलाइनर ही अप्लाई करके रखा है, जिससे कि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि ये आईलाइनर की तरह किस तरह दिखेगा। हाय, सो इट्स बीन 2 आवर्स और अभी तक काजल इंटैक्ट है। आई हैव टेकन बाथ बट मैंने अपना फेस वॉश नहीं किया, क्योंकि जो वाटर प्रूफ टेस्ट है वो मैं सबसे लास्ट में करना चाहती हूँ। अभी तो मैं इसका स्मज प्रूफ टेस्ट करना चाह रही थी। सो अभी 2 घंटे हुए हैं और ये इंटैक्ट है, सो लेट्स सी 4 आवर्स के बाद क्या होता है। हाय, सो अभी ऑलमोस्ट 4 आवर्स हो चुके हैं एंड मैं अभी भी ये कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल इंटैक्ट है। बिल्कुल हल्का सा जो लैश लाइन है उस पर से निकला है, वो मे बी स्वेट की वजह से या फिर टियरी आइज की वजह से हुआ है, बट अगर आप ओवरऑल दूर से देखेंगे तब आपको इतना पता नहीं चलेगा। ये तो मैंने लगाया है तो मैं इतना फील कर पा रही हूँ। सो 4 आवर्स डाउन द लाइन एंड इट्स ऑलमोस्ट इंटैक्ट। सो अभी देखते हैं 6 आवर्स पे क्या होता है। हाय, सो 4 बजने वाले हैं और इस काजल को हो चुके हैं पूरे 6 घंटे और आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल भी ज़रा भी फ़र्क अभी नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं बहुत बारीकी से इसका टेस्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये हल्का सा आइज़ में से निकल चुका है, बट स्टिल ये बहुत बेटर कंडीशन में है 6 घंटे के हिसाब से, जिसमें स्वेटिंग भी थी, सारा काम भी मैंने किया था। तो चलिए फिर देखते हैं कि 8 घंटे बाद इसका क्या होता है। हाय, सो अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और इस काजल को हो चुके हैं पूरे 8 घंटे। तो आफ्टर 8 आवर्स आप देख सकते हैं ये लैश लाइन पर से ऑलमोस्ट 50% तक जा चुका है और जो नीचे की तरफ मैंने लगाया था उस पर भी हल्का हल्का सा ये फेड होना स्टार्ट हो गया है। हाय, सो फाइनली 10 आवर्स हो चुके हैं मुझे इस काजल को लगाए हुए और अब आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा फेड हो चुका है विच इज़ क्वाइट नेचुरल, लेकिन हाँ 10 घंटे तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। मॉर्निंग में मैंने सोचा था कि जो वाटर प्रूफ टेस्ट है वो मैं रात को करूँगी, यानी कि 8 बजे के आसपास मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी, बट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे वो करना चाहिए क्योंकि सही नहीं आएगा, क्योंकि 10 घंटे ऑलरेडी इसे लगे हुए हो चुके हैं और 10 घंटों के बाद तो मतलब थोड़ा सा रिजल्ट में फ़र्क आ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को हैंड्स पर स्वॉच करके दिखा दूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए।
पैकेजिंग देखेंगे तो सिल्वर कलर के इस तरह के पैक में आता है। उसके बाद जो स्टिक है वो रिवॉल्विंग स्टिक है। मुझे पर्सनली रिवॉल्विंग स्टिक्स ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप उसका ए टू जी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, कुछ भी वेस्टेज नहीं होता। वहीं अगर आप कोई पेंसिल वाले स्टिक लेते हो तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद इसके वेट की बात करेंगे तो ये 0.35 ग्राम्स है और आपको मिलेगा ये MRP जो है इसका 304 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस काजल को खरीदते हैं तो आपको सीधे सीधे 20% ऑफ मिल जाएगा। आप पूरे 10 घंटे की इसमें वर्किंग देख चुके हैं, मैं आपको स्मच टेस्ट दिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके जो स्वॉच है वो कैसी है। फर्स्ट टाइम स्वाइप करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसने कलर यहाँ पर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाली हूँ। मुझे ऑल इन ऑल ये जो काजल है ये बहुत पसंद आया है, डेफिनेटली मैं इसे ख़रीदने वाली हूँ दोबारा से, ये ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाला है मेरा। अब आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा पानी डाल दिया और उसके बाद मैं अब इसे रब करके देखूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, यानी कि वाटरप्रूफ टेस्ट भी इसने पास कर दिया है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये काजल आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को सारे काजल लवर्स के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ बिगिनर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो काजल के लिए बिगिनर्स होते हैं ना उनमें थोड़ा सा एक डर होता है, एक झिझक होती है कि मैं काजल लगाऊंगी तो मेरी आईज़ और ज़्यादा काली लगने लगेंगी क्योंकि काजल कई बार फैल जाते हैं। लेकिन अर्बन कलर के काजल के लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बिगिनर्स जो है इस काजल को बेधड़क यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बेहद पसंद है। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।